हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लासेज। हाउ आर यू? ओके स्टूडेंट्स, टुडे वी विल रीड आवर इंग्लिश रीडर हनीडू बुक्स चैप्टर सेकेंड, द सुनामी पार्ट सेकेंड। स्टूडेंट्स, हमने पेज नंबर 27 पर टेरी स्मिथ की हाफ स्टोरी हमने रीड लास्ट वीडियो में कर ली है, एंड आज हम इसकी पेज नंबर 28 पे जो स्टोरी दी हुई है टेरी स्मिथ की, से हम रीड करेंगे। सी, बट टेरी स्मिथ सेंस्ड दैट समथिंग वॉज रॉन्ग। बट लेकिन टेरी स्मिथ को सेंस अनुभव हुआ दैट की समथिंग कुछ वॉज रॉन्ग, गलत हो रहा था। टेरी स्मिथ ने ऐसा महसूस किया कि कुछ गलत हो रहा है। हर माइंड केप्ट गोइंग बैक टू ए ज्योग्राफी लेसन। हर माइंड केप्ट गोइंग बैक, उसका मस्तिष्क फिर से गया टू ए ज्योग्राफी लेसन, उसके भूगोल के पार्ट पर। इट मीन्स उसको अपने भूगोल के पार्ट के बारे में याद आया। सी, हैड टेकन इन इंग्लैंड जस्ट 2 वीक्स बिफोर सी फ्लू आउट टू थाईलैंड विद हर फैमिली। उसे अपने ज्योग्राफी के उस पार्ट के बारे में याद आया जो उसने इंग्लैंड में 2 सप्ताह पहले पढ़ा था। सी फ्लू आउट टू थाईलैंड विद हर फैमिली। जब वह अपने परिवार के साथ थाईलैंड आई थी तो उससे पहले 2 सप्ताह पूर्व की बात है कि उसने अपने वो भूगोल के पार्ट को पढ़ा था, तो उस चैप्टर के बारे में उसे याद आया। टिली सा द सी स्लोली राइज। टिली ने समुद्र को धीरे धीरे उठते हुए देखा। एंड स्टार्ट टू फॉर्म बबल एंड फॉर्म व्हील पुल्स। और उसने समुद्र में झाग बनते हुए, बबल मीन्स बुलबुले बनते हुए, एंड फॉर्म व्हर्लपूल्स मतलब भंवर। भंवर होता है पानी का जो गोल गोल चक्कर बन के जो ऊपर उठता है, उसे हम भंवर कहते हैं। तो उसने पानी में झाग, बुलबुले और भंवर्स बनते हुए देखे। सी रिमेम्बर्ड दैट सी हैड सीन दिस इन क्लास इन ए वीडियो ऑफ ए सुनामी। सी रिमेम्बर्ड, उसे याद आया दैट की सी हैड सीन दिस, उसने ये देखा है इन क्लास इन ए वीडियो। उसे याद आया कि उसने ये सीन कहाँ पे देखा है, उसकी क्लास में देखा है। किसमें? एक वीडियो में। उसकी क्लास में एक वीडियो दिखाया गया था तो उसमें भी उसने ये सीन देखा था। कौन सा? तो झाग बनने का, बुलबुले और भंवर बनने का सीन उसने वीडियो में देखा था क्लास में, ऑफ ए सुनामी के वीडियो में। दैट हैड हिट द हवाईयन आइसलैंड इन 1946। 1916 में हवाई द्वीप पर जो सुनामी आई थी, तो उस सुनामी के बारे में उसने क्लास में एक वीडियो में देखा था। हर ज्योग्राफी टीचर हैड शोन हर क्लास द वीडियो। उसके जो भूगोल का अध्यापक था, उसने क्लास में उस वीडियो को दिखाया था। एंड टोल्ड देम दैट सुनामी कैन बी कॉल्ड बाई अर्थक्वेक्स वॉल्केनोज एंड लैंडस्लाइड्स। एंड टोल्ड देम, और उनको बताया था किसने? ज्योग्राफी टीचर ने, कि सुनामी किसके कारण आती है? अर्थक्वेक्स मीन्स भूकंप के कारण, वॉल्केनोज मीन्स ज्वालामुखी के कारण, लैंडस्लाइड्स मीन्स भूस्खलन के कारण। ज्वालामुखी, भूकंप, सॉरी सुनामी भूकंप, ज्वालामुखी और भूस्खलन के कारण आती है। टिली स्टार्टेड टू स्क्रीम एट हर फैमिली टू गेट ऑफ द बीच। टिली अपने परिवार को समुद्र तट छोड़ने के लिए कहने लगी। इट मीन्स चिल्लाने लगी कि समुद्र तट छोड़ दो। सी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर द सी। सी टॉक्ड अबाउट, उसने बात की एन अर्थक्वेक, एक भूकंप के बारे में, अंडर द सी, समुद्र के पास में। सी गोट मोर एंड मोर अधिक से अधिक स्टिकल, मैंने होता है उत्तेजित,
वह अधिक से अधिक उत्तेजित होती जा रही थी। सेड हर मदर, उसकी माँ ने कहा, पैनी, उसकी माँ का क्या नाम था, पैनी, उसकी माँ पैनी ने कहा कि वह अधिक से अधिक उत्तेजित हो रही थी। आई डिड नॉट नो व्हाट ए सुनामी वॉज, उसकी माँ क्या कहती है कि आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानती व्हाट ए सुनामी वॉज, की सुनामी क्या होती है। बट लेकिन सीइंग माई डॉटर सो फ्राइटेंड, लेकिन मेरी बेटी को इतना फ्राइटेंड मीन्स डरी हुई, मेरी बेटी को इतनी डरी हुई देखकर आई थॉट, मैंने सोचा समथिंग सीरियस मस्ट बी गोइंग ऑन, कि कुछ सीरियस इट मीन्स गंभीर होता जा रहा है। टिलीज पेरेंट्स टुक हर एंड हर सिस्टर अवे फ्रॉम द बीच, टिलीज पेरेंट्स, टिली के माता पिता ने टुक हर, उसको ले गए, एंड हर सिस्टर, और उसकी छोटी बहन को, अवे मीन्स दूर, फ्रॉम द बीच, समुद्र तट से। टिली के माता पिता उसे और उसकी बहन को समुद्र तट से दूर ले गए, टू द स्विमिंग पूल एट द होटल, होटल के स्विमिंग पूल के पास में। ए नंबर ऑफ अदर टूरिस्ट्स आल्सो लेफ्ट द बीच विद देम, जो समुद्र तट पर अन्य पर्यटक खड़े हुए थे उन्होंने भी उसके साथ उस समुद्र तट को छोड़ दिया। देन तब वॉच इफ द एज इफ द एंटायर सी हैड कम आउट आफ्टर देम, तब ऐसा लग रहा था जैसे समुद्र तट उनके पीछे ही चला आ रहा था। इट मीन्स जो पानी का बहाव था वो बहुत तेजी से बढ़ रहा था। आई वॉज स्क्रीमिंग, मैं चिल्ला रही थी, रन, भागो, ऐसा कौन कह रहा है, टिली स्मिथ कह रही है कि मैं कंटिन्यू चिल्ला रही थी कि भागो। द फैमिली टुक रिफ्यूज इन द थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल, रिफ्यूज मीन्स शरण लेना, द फैमिली परिवार ने टुक ली रिफ्यूज मीन्स शरण इन द थर्ड फ्लोर, तीसरी मंजिल पर ऑफ द होटल, होटल की तीसरी मंजिल पर परिवार ने शरण ली। द बिल्डिंग विद स्टूड द सर्च ऑफ थ्री सुनामी वेव्स, बिल्डिंग मीन्स भवन ने, कौन सा भवन, होटल का भवन, होटल के भवन ने सुनामी के तीन लहरों के झटके सहन किए। इफ यदि दे हैड स्टेड ऑन द बीच, दे यहाँ किससे रेफर करता है, जो वहां लोग खड़े हुए थे समुद्र तट पर उसमें उनकी फैमिली भी थी, उसके लिए दे यहाँ रेफर करता है। तो जो वहां पर यदि वे समुद्र तट पर खड़े रहते तो दे वुड नॉट हैव बीन अलाइव, तो वे जीवित तो नहीं बचते क्योंकि वे थर्ड मंजिल पर आ चुके थे। द स्मिथ्स लेटर मेट अदर टूरिस्ट्स हु हैड लॉस्ट एंटायर फैमिलीज, स्मिथ्स लेटर मेट, स्मिथ बाद में मिली अदर टूरिस्ट, जो दूसरे पर्यटक थे जिन्होंने अपने फैमिलीज पूरे परिवार को खो दिया था, उनसे बाद में मिली। थैंक्स टू टिली एंड हर ज्योग्राफी लेसन, टिली और उसके भूगोल के पाठ को धन्यवाद। दे हैड बीन फोर वार्न्ड, कि जिन्होंने उसे पहले ही चेतावनी दे दी थी। टिली वेंट बैक टू हर स्कूल इन इंग्लैंड, टिली इंग्लैंड में अपने स्कूल वापस गई। एंड टोल्ड हर क्लासमेट्स हर टेरिफाइंग टेल, और अपने जो सहपाठी थे उन्हें इस भयानक कहानी के बारे में बताया। ओके, थैंक्स।